to extract matter from its ore. First step was concentration of ore. Concentration of ore mein bahut sare methods hain. Depending on the properties of the combined state of metal, hum decide karte hain ki hum kis method ko follow karenge. So in concentration of ore, we can use hydraulic washing, magnetic separation, froth flotation process or leaching. There are many steps or methods in which through which we can concentrate ore. So first method which we will discussing is hydraulic washing. Hydraulic washing में क्या होता है कि हम एक container में ore को लेते हैं और नीचे एक container में हम ore को solution बनाते हैं, suspension बनाते हैं. उसके बाद ऊपर से हम powdered ore इसमें डाल रहे हैं. उसके बाद हम नीचे से water stream with pressure इसमें generate करते हैं. इस pressure से इस water, ये water यहाँ से enter कर रहा है with pressure. इसमें क्या होता है कि ये जो हमने ओर का सस्पेंशन बनाया है इसमें मिक्सिंग होती है. मिक्सिंग होने की वजह से क्या होता है, जो ओर में अनवांटेड पार्टिकल्स हैं या अनवांटेड चीज़ें हैं, अनवांटेड इम्प्योरिटीज़ हैं जिन्हें हम गैंग बोलते हैं, क्योंकि ये हल्की हैं, हल्की होने की वजह से ये ऊपर रहती हैं और ये यहाँ से बाहर निकल जाती हैं. पर हमारा जो मेन ओर में इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है हमारा ओर में, वो क्या है, किसी भी एलिमेंट का कंबाइंड स्टेट. और यहाँ पे हम कंसंट्रेशन कर रहे हैं. कंसंट्रेशन मींस टू रिमूव अनवांटेड इम्प्योरिटीज. तो यहाँ पे क्योंकि हमारा गैंग जो था वो हल्का था, लाइटर था, वो पानी में ऊपर ही रहा और वो यहाँ से बाहर निकल गया. पर जो हमारा इम्पॉर्टेंट हिस्सा है ओर का, वो है कंबाइंड स्टेट ऑफ द मेटल. तो बाकी जो इम्पॉर्टेंट पार्ट था वो क्योंकि हैवी है वो नीचे रह गया और हम उसको नीचे निकाल लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं कंसंट्रेटेड ओर. सो हाइड्रोलिक वॉशिंग का मेन प्रिंसिपल क्या है कि जब ओर और इसकी इम्प्योरिटीज में वेट में डिफरेंस होता है, इम्प्योरिटीज हल्की हो और हमारा ओर जो है वो हैवी हो, तो हम हाइड्रोलिक वॉशिंग का यूज़ करते हैं. इसमें क्या है कि हम अपवर्ड एक्सट्रीम वाटर की देते हैं विद प्रेशर, जिसकी वजह से जो सस्पेंशन है ओर का, हमने सॉल्यूशन बनाया था, उसमें बबलिंग होती है. लाइटर होने की वजह से जो अनवांटेड इम्प्योरिटीज है वो बाहर आ जाती हैं और जो हैवी हमारा ओर है वो नीचे रह जाता है, हम उसे अलग कर लेते हैं. तो यहाँ पे हमने जो हमारा अनवांटेड इम्प्योरिटीज था उसको रिमूव कर दिया. तो ये नॉर्मली कार्बोनेट्स और ऑक्साइड्स के लिए हम लोग यूज़ करते हैं. नेक्स्ट स्टेप जो हम यूज़ कर सकते हैं, नेक्स्ट मेथड जो हम लोग यूज़ कर सकते हैं, वो होता है मैग्नेटिक सेपरेशन. मैग्नेटिक सेपरेशन हम उन ओर्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, या इसका प्रिंसिपल ये है कि हमारा जो ओर है वो मैग्नेटिक होना चाहिए या फिर हमारी इम्प्योरिटीज मैग्नेटिक होनी चाहिए. दोनों में से कोई एक मैग्नेटिक होना चाहिए ताकि हम दूसरे को उससे हटा सकें. फॉर एग्जाम्पल मैग्नेटाइट, मैग्नेटिक रूटाइल TiO2, ये मैग्नेटिक होता है. इसमें नॉन मैग्नेटिक पार्ट होता है क्लोरोएपेटाइट. तो इस मेथड को यूज़ करके हम लोग इन दोनों को अलग कर सकते हैं. तो कैसे करते हैं, यहाँ पे हमारे पास दो रोलर्स हैं, उसमें एक बेल्ट लगा है. ये रोलर जो है ये मैग्नेटिक है. यहाँ पे हमने ग्राइंडेड ओर डाल दिया है इस पर. जब ये रोलर घूमता है, क्योंकि ये मैग्नेटिक रोलर हमारा मैग्नेट, ये वाला रोलर हमारा मैग्नेटिक है, जो मैग्नेटिक जो भी ओर या इम्प्योरिटी मैग्नेटिक होगी वो यहाँ पे रोलर पे स्टिक रहेगी और जो नॉन मैग्नेटिक हैं वो अलग दूर गिर जाएंगी. तो जो मैग्नेटिक पार्ट है, चाहे वो ओर हो चाहे इम्प्योरिटीज हो, वो यहाँ पे चुपकी हुई हैं इस रोलर पे और वो यहाँ आके गिरेंगी. तो इस तरह से हमारा मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक पार्ट दोनों अलग हो जाते हैं. तो ये नॉर्मली मेथड वहाँ यूज़ होता है जहाँ पे हमारी इम्प्योरिटी या फिर हमारा ओर, दोनों में से कोई एक मैग्नेटिक होगा.